Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I welcome you to the 13th lecture for the subject Language and Communication Skills. And we are discussing Unit 2, Disorders of Communication and Dysphagia. And we are discussing Course Outline 2.1. The subtopic in Unit 2, 2.1. Disorders of speech, and we are talking about voice disorders. तो ये जो इस टॉपिक की सिमेट्री है, इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो यूनिट टू में जो है ना वो 2.1 पे बात कर रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच, और उसमें हम वॉइस डिसऑर्डर्स पे जो है ना वो इस यूनिट में बात करेंगे. कुछ वॉइस डिसऑर्डर्स जो है ना वो हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, तो हम आगे जाके देखते हैं कि डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स हमने कर लिए हैं और कौन से रह गए हैं. Let's learn this topic in this lecture 13th. We formally start our lecture with a hadith from Tirmizi Sharif. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, the messenger of Allah said, the word of wisdom is the lost property of the believer. So he has a better right to it whenever he finds it. तो इल्म जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, और जहाँ कहीं उसे मिले तो उसको पा ले. ये इस हदीस का जो है ना वो सबक है हम सब के लिए. तो हमें इल्म के लिए जो है ना वो बार बार बात की गई है, गौर खोज करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी कि एक लम्हे के लिए कायनात में गौर फिक्र करना जो है वो किसी आबिद की इबादत करने वाले की 80 साल की इबादत से ज़्यादा जो है ना वो कीमती करार दिया गया है. तो वो सिर्फ इसी लिए है. तो ख़ासकर इन हालात में जब हमें जो है ना मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो है ना वो घेरे हुए हैं, तो हमें जो है ना वो विजडम तलाश करने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लर्न आवर जो है लेसन्स फ्राम द होली कुरान द Hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Disorders of speech 2.1. इसमें हमने dysfluency, dysphagia, articulation and phonological disorders, cleft lip and palate, इस सब पे जो है वो बात कर चुके हैं. Voice disorders पे भी हम पिछले lecture में कुछ पे बात कर चुके हैं. तो किन पे हमने बात की है उस पे हम देखते हैं कि जो है ना हमने क्या क्या कर लिया और अब हमने क्या करना है. वॉइस डिसऑर्डर्स टू बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग डिस्कशंस. तो यहाँ पे हमने जो है ना वो वॉइस डिसऑर्डर्स में पिच डिसऑर्डर्स, लाउडनेस डिसऑर्डर्स, रेजोनेंस डिसऑर्डर्स, क्वालिटी डिसऑर्डर्स और फ्लेक्सिबिलिटी डिसऑर्डर्स, ये हम जो है ना वो पांच टॉपिक्स पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं. आज हम जो है वो जो इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं जिन वॉइस डिसऑर्डर्स पे, वो हैं नॉन फोनेटरी वोकल डिसऑर्डर्स और दूसरा है कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स. तो आइए हम इनको सीखने की कोशिश करते हैं कि इनमें हमारे लिए. तो आज हम जो पहला वॉइस डिसऑर्डर है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉन फोनेटरी वोकल डिसऑर्डर्स. तो नॉन फोनेटरी यानी फोनेट्री का ताल्लुक है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के साथ. तो मतलब है नॉन फोनेट्री वोकल डिसऑर्डर्स. वोकल का ताल्लुक जो है वो इंसानी आवाज़ यानी ह्यूमन वॉइस से है. तो ये वो वोकल डिसऑर्डर्स हैं वो जो है वो आवाज़ से ताल्लुक है जिनमें हमारी स्पीच प्रोड्यूस नहीं होती. तो इसके हवाले से हम जो है आगे जाके देखते हैं कि कैसे जो है ना इसको एक्सप्लेन हम जो है इसको करते हैं. तो सबसे पहले स्ट्राइडर है तो नॉइजी ब्रीदिंग और इनवॉलंटरी साउंड्स दैट अकॉम्पनी इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो नॉइजी ब्रीदिंग और इनवॉलंटरी साउंड्स जो है ना वो जब इंसान जो है ना वो, तो ये बोलने से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इंसान सांस लेता है यानी इंस्पायरेशन के अंदर की तरफ जो है हवा का जाना फेफड़ों में और एक्सपायरेशन के हवा का जो है ना वो एक्सहेल होना बाहर आना, उसकी बात हो रही है. तो वो कहते हैं कि नॉइजी ब्रीदिंग है या इनवॉलंटरी साउंड्स होती हैं इसमें दैट अकंपनी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कि जब इंसान सांस लेता है तो जो है ना वो
जब सांस लेता है तो नॉइजी, तो शोर की आवाज़ आती है, और जो है ना वो मतलब इनवॉलंटरी साउंड्स के इंसान का उन पर कंट्रोल नहीं होता, वो खुद से ही कुछ आवाज़ें जो है वो सांस के साथ जो है ना वो, जैसे हम कहते हैं कि जी बच्चों के जो है ना वो चेस्ट चल रही है, तो वो क्या होता है कि वो इनवॉलंटरी होती है, कि जब वो सांस ले रहे होते हैं या इनहेल करते हैं या एक्जेल करते हैं, तो वो जो है ना वो नॉन फोनेट्री, तो उसका आवाज़ की प्रोडक्शन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट इसमें वो बात करते हैं कि नॉन फोनेट्री जो वोकल डिसऑर्डर्स हैं, कंसिस्टेंट एफोनिया, अ परसिस्टेंट एब्सेंस ऑफ वॉइस परसीव्ड एज विस्परिंग, तो ये जो ना एफोनिया, के फोनिया जो है ना इसका ताल्लुक वॉइस से है, तो एफोनिया यानी कि ए जहाँ का कहीं भी आ जाएगा प्रीफिक्स के तौर पर, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ एबसेंट है, वो मौजूद नहीं है। तो अ परसिस्टेंट एब्सेंस, मुकम्मल जो है ना वो वॉइस जो परसीव्ड है वो विस्परिंग की तरह के जो है ना, जैसे हम सरगोशी करते हैं तो ऐसी आवाज़ जो है ना वो, तो ये भी नॉन फोनेटरी वोकल डिसऑर्डर है कि इसमें भी आवाज़ कोई नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो कंसिस्टेंट एफोनिया, फिर एफोनिया जो है ना वो उसकी हम अलहदा से भी हम देखते हैं, अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल एफोनिक ब्रेक्स इन वॉइस, तो अनकंट्रोल्ड हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं जो ना एफोनिक ब्रेक्स हैं, कि इसके इससे मुराद ये है कि एफोनिया तो हो गया एब्सेंस ऑफ, तो इसमें जो ना वो आवाज़ में कभी कभार जो ना वो बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं पा रही होती, और ये अनकंट्रोल्ड है और अनप्रिडिक्टेबल है, कि इंसान कोई इंसान बातें कर रहा है तो अचानक से जो है ना वो उसकी आवाज़ ना निकले, तो इसलिए इसको नॉन फोनेट्री वोकल डिसऑर्डर में जो है ना वो शामिल किया जाता है। तो आइए हम इनको डिटेल से जो है ना आगे देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अभी तक स्ट्राइडोर या स्ट्राइडर, कंसिस्टेंट एफोनिया और एफोनिया पर मैंने बात की है, जो कि नॉन फोनेट्री वोकल डिसऑर्डर्स हैं। एफोनिया को हम डिटेल से जो है ना वो पढ़ते हैं। व्हाट इज एफोनिया? एफोनिया रेफर्स टू एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस नेचुरली। तो अब जो है ना उसकी डेफिनेशन और इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन पे वो बात करने लगे हैं कि एफोनिया रेफर्स टू एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस नेचुरली, दैट इज़ ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट, या इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस बाई यूजिंग अ स्पीच प्रोस्थेसिस। कि वो कहता है कि एक तो ये है कि नेचुरली कुदरती तौर पर जो है ना वो आवाज़ पैदा ना कर पाना जो है ना ये एफोनिया है, और दूसरी बात ये है कि या ये भी हो सकता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस बाय यूजिंग अ स्पीच प्रोस्थेसिस, के जो है वो इंसान कोई एड, कोई जो है ना वो असिस्टिंग डिवाइस जो है ना लगाए, जैसे कि यहाँ पर दो तीन का बताया भी है, पैसी म्योर वाल्व है, इलेक्ट्रोलैरिंग्स और ट्रैकियो एसीफेगियल जो है ना वो पंक्चर है, तो ये जो है ना लैरिंग्स में एक डिवाइस लगा के, और ट्रैकिया और एसोफेगस जो हमारे गले का जो है ना वो ज़बान और नेज़ल कैविटी के पीछे जो है वो हमारी जो है ना जगह है, जो पार्ट ऑफ माउथ है, तो वहाँ पर जो है ना इसको पंक्चर को, कि वहाँ पे चूँकि ये नहीं होता, वो जो एसोफेगस है या लैरिंग्स का जो है ना वो हिस्सा नहीं होता, तो उस पर वहाँ पर जो है ना वहाँ पर कोई जो है ना वो डिवाइस या कोई जो है ना वो पैच जो है ना वो लगा के पंक्चर की तरह का, जैसे पंक्चर हम जो है ना लगवाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी वजह से भी यानी प्रोस्थेसिस यूज़ करके भी आवाज़ प्रोड्यूस ना कर पाना, तो इसको हम कहते हैं कि ये एफोनिया है ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ लैरिंग्स। तो वो कहता है कि या तो कुदरती तौर पर जो है ना वो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, और इम्पेयरमेंट का मतलब ही ये है कि वहाँ पे जो है ना इंसानी जिस्म में कोई खराबी उज़व का ना होना, इम्पेयरमेंट जब भी बात आएगी तो इम्पेयरमेंट का मतलब है कि वो जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो नेचुरली नहीं है, तो अगर है और उसमें जो है ना उसकी जगह पे कोई प्रोस्थेसिस, कोई असिस्टिंग डिवाइस लगाई गई है, उसकी वजह से भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर हम कहते हैं कि ये एफोनिया है जिसकी को हम डिटेल में बात कर रहे हैं। इसके अलावा डिसफोनिया जो है ना ये भी नॉन फोनेट्री वॉइस वोकल डिसऑर्डर्स में आता है। तो डिसफोनिया इज़ अ डिस्क्रिप्टिव मेडिकल टर्म मीनिंग डिसऑर्डर। तो जैसा कि डिस का तो हमने पहले भी बात की हुई है कि इसका मतलब डिस होता है, और जो है ये फोनिया हम वॉइस को कहते हैं, तो डिसऑर्डर ऑफ वॉइस। देर आर मैनी कॉजेज ऑफ डिसफोनिया, फॉर्चुनेटली मोर देन हाफ ऑफ पीपल विद वॉइस कंप्लेंट्स हैव अ बिनाइन। तो बिनाइन कॉज के मतलब ये है कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि वो जो मतलब इतनी
ख़राब नोयत की नहीं होती कि उसको ठीक ना किया जा सके, तो नॉन कैंसरस के मतलब कैंसर नहीं होता, कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत या तो महंगा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है या फिर वो जो है वो जो सेल्स हैं वहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस करने वाले, तो अगर उनको कैंसर हो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आम तौर पर ये खुशकिस्मती है, इसीलिए वो फॉर्चुनेटली कह रहा है कि फॉर्चुनेटली मोर देन हाफ ऑफ पीपल विद वॉइस कंप्लेंट्स हैव अ बिनाइन कॉज, तो उनकी जो है ना इतनी कोई ख़तरनाक जो है ना डेंजरस कॉज नहीं होती। तो डिसफोनिया क्या हो गया कि ये डिसऑर्डर ऑफ वॉइस है, ठीक है, और इसकी कई कॉजेज हैं, आगे जाके हम देखते हैं कि क्या क्या हैं। अब हम जो है ना एफोनिया को इन डिटेल करने लगे हैं कि एफोनिया क्या है, तो इसमें फंक्शनल एफोनिया की बात होने लगी है। इट इज़ कॉमन अमंगस्ट वीमेन एज बिटवीन प्यूबर्टी एंड एज 40 एंड कॉजेज अ हाई डिग्री ऑफ ब्रीदी हॉर्सनेस विस्परी वॉइस एंड एफोनिया ड्यूरिंग इंटेंशनल वोकलाइजेशन सच एज इन कन्वर्सेशंस। तो ये जो आम तौर पर जो है फंक्शनल एफोनिया किन लोगों को होता है, बिटवीन प्यूबर्टी यानी कि जो 11-12 साल की उम्र से जो है ना प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, सने बलौगत जिसे हम कहते हैं कि जब हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं, तो आमतौर पर जो है ना एंड एज 40 के दरमियान जो है बिटवीन प्यूबर्टी एंड एज 40 एंड कॉजेज अ हाई डिग्री ऑफ ब्रीदी हॉर्सनेस। तो इसमें क्या होता है कि ब्रीदी हॉर्सनेस के बड़ा जो है ना बड़ी खुरदरी आवाज़ हो जाती है और उसमें जो है ना वो सांस के साथ जो है ना वो ये आवाज़ भारी आवाज़ में भारीपन होता है, विस्परी वॉइस हो सकती है कि जो है ना वो जैसे हम सरगोशी करना के कहते हैं विस्परी वॉइस, एंड एफोनिया ड्यूरिंग इंटेंशनल वोकलाइजेशन, खासकर जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ना इंटेंशनल वोकलाइजेशन होती है। तो ग्लोटल क्लोयर ग्लोटस हमने बात की थी, तो ये जो है वो जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं वोकल फोल्ड्स हैं उनके ऊपर जो है एक कैप टाइप जो है ना वो एक मसल्स का जो है ना वो गुच्छा सा होता है, तो वो जो ग्लोटस होता है, तो ग्लोटल क्लोजर इज इनसफिशेंट। तो ये जो है कितना क्लोज होना चाहिए, ये इनसफिशेंट होता है यानी कि ये खुला ही रहते हैं, तो वहाँ से आवाज़ के जो है ना वो हवा आसानी से गुजर सकती है। तो आपने जो है ना ग्लोटल क्लोजर और इसके हवाले से मैंने आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ रेफ़र की थी पिछले लेक्चर्स में, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो ग्लोटल क्लोजर इज इनसफिशेंट एंड बिकॉज एस्पायरेटेड एयर फ्लोज आउट ऑफ द ग्लोटल गैप द वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। तो उसकी वजह क्या हुई कि जो ग्लोटल जो है ना वो गैप है उसकी वजह से अगरचे जो है ना वो जो वॉइस्ड साउंड है वो वोकलाइजेशन के दौरान जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो अ वॉइस्ड साउंड इज ऑफन प्रोड्यूस्ड व्हेन द पेशेंट्स क्राइज लाफ्स और कफ्स। तो आम तौर पर जो है ना वो जो आवाज़ आने वाली जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है ऐसी आवाज़ वो जब पेशेंट्स या तो क्राई करते हैं या हंसते हैं या जो है ना खांसते हैं तो उस वक़्त प्रोड्यूस होती हैं। तो फंक्शनल एफोनिया की जो सबसे बड़ी कॉज है वो ग्लोटल क्लोजर का इनसफिशेंट होना है कि जो है ना वो वोकल कॉर्ड्स के दरमियान इतना फासला होना चाहिए कि वो जो है ना वो वाइब्रेट करें तब जाके कहीं आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हाइपोटोनिक वॉइस डिसऑर्डर्स, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब जो है ना वो कम होना, तो यहाँ पर ये भी जो है ना आप कह लें कि एक तरह से जो है ना वो नॉन फोनेटरी वोकल डिसऑर्डर है जिसमें कि वो बात करते हैं कि हाइपोटोनिक का टोन जो है आवाज़ की जो टोन है वो बहुत कम होती है। हाइपोटोनिक वॉइस डिसऑर्डर्स दीज कंडीशंस प्रोड्यूस अ वेरी वीक एंड फेंट वॉइस, मतलब बहुत कमज़ोर सी और बेहोश जैसे इंसान होता है तो उस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इफ़ द एयर फ्लो रेट डिक्रीजेज ड्यू टू वोकलाइजेशन मसल फटीग कॉज्ड बाय साइकोसोमेटिक फैक्टर्स वॉइस मिसयूज एंड और रेस्पिरेटरी ऑर्गेन डिजीज सब ग्लोटल प्रेशर डज नॉट राइज कॉजिंग एस्थेनिक हॉर्सनेस। These conditions occur in a neurological or muscular जो है disorder such as myasthenia gravis and muscular dystrophy। तो जहाँ पर भी muscles की बात जो है ना वो हो रही है, ख़ासकर यहाँ पर जो है ना वो asthenic यानी कि जो हमारे
फेफड़े होते हैं जो हमारे लंग्स हैं उनके जो है ना वो मसल्स की वीकनेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो अगर ये इस तरह की कोई कंडीशंस हैं कि वॉइस मिसयूज़ है, कि वॉइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, या रेस्पायरेटरी ऑर्गन डिजीज़ हो सकती है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन डिजीज़ के सांस लेने वाले जितने भी सिस्टम है तो उसमें स्पेशली जो है ना फेफड़ों की बात हो रही है, सब ग्लॉटल प्रेशर जो है ना वो, तो सब ग्लॉटल के जो हमारे ग्लॉटस होता है उसके नीचे के जो प्रेशर के वहाँ से आवाज़ का बाहर प्रॉपर जाना जो है ना वो ही पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो ये सारी वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हाइपोटोनिक वॉइस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो या तो इसमें न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जैसे मायास्थेनिया और ग्रेविस एंड जो है ना वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, के मसल्स की वीकनेस पे जो है ना खसूसी तौर पर जो है ना वो फोकस किया जा रहा है। मायास्थेनिया ग्रेविस जो है इस पर हम खसूसी तौर पर जो है इसको देख लेते हैं, ये एक नई टर्म है आप सबके लिए, मेरे लिए भी। तो बच्चों ये जो है वो हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में जो एक मसल्स का एक पूरा जाल है, तो इसमें जो है ना ग्रेविस खास तौर पर जो है ना वो स्वेलिंग के और जो वॉइस प्रोडक्शन से जिनका ताल्लुक होता है उन मसल्स की जो कमज़ोरी है, तो खासकर जो स्वेलिंग और ये आमतौर पर जो है ना आवाज़ की प्रोडक्शन टॉकिंग को जो है ना इसको मुतासर करते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अक्सर हम जो है ना सुनते हैं और इसका हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो मसल्स की जो है ना वीकनेस जो होती जाती है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ अक्सर बच्चे आते हैं कि उनके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनके मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं। तो डिस्ट्रॉफी के मतलब उनकी जो टोन है, जो उनके जो है ना वो आप कह लें कि टेंशन है, खिंचाव है, उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता जाता है। तो ये सारी जो है ना हाइपोटोनिक वॉइस डिसऑर्डर्स की कॉजेज हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा आज के टॉपिक के हवाले से है, जो वॉइस डिसऑर्डर्स पे चूंकि हमने बात की है और अब हम कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स के हवाले से बात करते हैं, तो वो क्या हैं? तो कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स, तो अब ये कन्वर्जन है कि मतलब आवाज़ का कन्वर्ट हो जाना, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है, कौन से जो है ना वो कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स हैं। तो हम इन लेक्चर्स में बड़ी तफसील से जो है ना वो बात कर चुके हैं वॉइस डिसऑर्डर्स पे, तो उसमें एक जो है ना वो कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स भी है। तो एनी लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर नॉर्मल वॉइस मसल और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस और इंटरपर्सनल जो है ना वो कन्फ्लिक्ट। तो वॉलंटरी कंट्रोल ओवर नॉर्मल वॉइस मसल का जो हमारा मतलब वॉलंटरी जानबूझ के जो है ना वो या तो जो हमारे वॉइस मसल्स हैं उन पर कंट्रोल कर लेना, तो जो बच्चे जो हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो है ना वो लड़के लड़कियों की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं और वो जो है ना फ़ोन पे जितनी स्टोरीज इतनी मशहूर होती हैं, तो बच्चों वो वॉलंटरी कंट्रोल ओवर नॉर्मल वॉइस मसल है कि वो जो है ना अपने नॉर्मल वॉइस मसल्स पे जैसे हम जो है ना वो कैट की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो ये तो हो गया वॉलंटरी। या फिर क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, या फिर जो है ना वो इस वजह से हो सकता है कि कोई जो है ना वो हादसा पेश आ गया उसकी वजह से कन्वर्ट होगी वॉइस। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे लिए जो है ना इसमें क्या है कि क्या इस टॉपिक में बयान किया जा रहा है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगे कि कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स का ताल्लुक किससे है। तो दिस डिसऑर्डर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, देखो ना ये बहुत बड़ा जो है कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या कोई ट्रॉमा, कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तो जो है ना अक्सर लोगों की आवाज़ बदल जाती है, निकल नहीं पाती, उसकी वजह कुछ होती है। तो हम देखते हैं इन द केस ऑफ कन्वर्जन डिस्फोनिया और एफोनिया कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, देयर मे बी अ सिंगल ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, डेथ और साइकोलॉजिकली डैमेजिंग इवेंट एंड देयर इज चेंज ऑफ वॉइस विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये आमतौर पर जो है ना वो मतलब बहुत थोड़े टाइम में जो है ना वो, तो कोई एक्सीडेंट का हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, साइकोलॉजिकल जो है ना कोई डैमेजिंग इवेंट ऐसा हो जाना, एंड देयर इज चेंज ऑफ वॉइस विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो बहुत थोड़े टाइम में जो है ना वो आवाज़ का चेंज हो जाना, ये कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स में आते हैं। और उसकी कॉजेज भी हमने देखनी है कि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा इवेंट जो है ना जिसकी वजह से ये मामला हो जाता है, या इसकी कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं। और देर मे बी अ लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकली डैमेजिंग सर्कमस्टेंस सच एज सेक्शुअल अब्यूज पे इस पर बात हो रही है, दैट मे बी मैनिफेस्टेड सून और मैनी ईयर्स लेटर। तो अब्यूज किसी तरह की भी हो इसकी वजह से जो है ना इशूज़ आ सकते हैं, कि लॉन्ग टर्म जो है ना उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, दैट मे बी मैनिफेस्टेड सून और मैनी ईयर्स लेटर, और हो सकता है कि वो
यानी एक तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रॉमा जो है ना वो किसी ने देखा तो उसकी जो ना आवाज़ चेंज होगी, या फिर ये है कि उसके साथ कोई अब्यूज़ ऐसा हो रहा है कि वो लॉन्ग टर्म जो है ना उसकी ज़िंदगी पर उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसकी वजह से भी उसकी जनरल हेल्थ पर भी और उसकी जो ना आवाज़ पर भी असरात होंगे इसके। इन द केस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर द इंडिविजुअल मे अंडरगो फंक्शनल वॉइस थेरापी। तो इसको हम जो है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, फंक्शनल वॉइस थेरापी का बाकायदा उसको बुलवा के उससे आवाज़ें निकलवा के जो है ना उसको थेरापी करें, टू गेन कंट्रोल ओवर हिज और हर वॉइस, ताकि वो अपनी जो आवाज़ है उस पर जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर सके। बट इन मोस्ट केसेस द वॉइस डिसऑर्डर विल नॉट रिजॉल्व अनलेस देयर इज ऑल्सो साइकोथेरापी टू एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो उसके जो है ना वो साथ साथ साइकोथेरापी भी करवाना पड़ती है, किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है, ताकि ज़्यादातर केसेस में जो है ना वो यही होता है कि उनको पहले उस ट्रामे से निकाला जाता है, फिर उसके बाद उनकी जो है ना वॉइस को जो है ना वो दुरुस्त किया जाता है। कन्वर्जन डिसफोनिया एंड कन्वर्जन एफोनिया, इनके हवाले से हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो कन्वर्जन डिसफोनिया को करेक्टराइज्ड बाय एन अनरिलायबल वॉइस, अनप्रिडिक्टेबल पिच एम्पलीट्यूड एट्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदी वर्सेज नॉर्मल क्वालिटी, हाई वर्सेज लो पिच एंड लाउड वर्सेज सॉफ्ट वॉइस। तो ये जो है वो अनरिलायबल वॉइस होती है, अनप्रिडिक्टेबल जो है इसकी पिच होती है और एम्पलीट्यूड होता है, तो कन्वर्जन डिसफोनिया के हमें जो है ना वो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा होता कि जो है ना वो क्या जो है ना करेक्टराइज बाई एन अनरिलायबल वॉइस, अनप्रिडिक्टेबल पिच और उसकी पिच एम्पलीट्यूड, इसमें जो है ना वो इशू आ जाता है। तो ये जो है ना इनका इनको समझ नहीं पा रहे होते थे। तो ब्रीदी वर्सेस नॉर्मल क्वालिटी के अचानक जो है ना वो ब्रीदी वॉइस आ गई है और अचानक जो है ना वो नॉर्मल क्वालिटी की वॉइस आना शुरू हो जाए, तो ये कन्वर्जन डिस्फोनिया। हाई वर्सेस लो पिच, कि पिच का जो है ना फ़र्क हो सकता है, लाउड वर्सेस सॉफ्ट वॉइस हो सकती है, तो ये कन्वर्जन डिस्फोनिया है। हो सकता है पहले उसकी जो है ना वॉइस सॉफ्ट हो लेकिन कन्वर्जन डिस्फोनिया हो गया तो वो लाउड हो जाए, या लाउड थी तो सॉफ्ट हो जाए, तो इस तरीके जो है वो इसको कन्वर्जन डिस्फोनिया है। अब अगर हम बात करें कन्वर्जन एफोनिया के, जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो साउंड का ना होना, तो ये क्या हो सकता है कि इनवॉलंटरी विस्परिंग डिस्पाइट अ नॉर्मल लैरिंग्स ग्रेजुअल और सडन ऑनसेट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, साइकोथेरापी ऑफन रिकमेंडेड, और अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ पेशेंट्स विद कन्वर्जन एफोनिया आर फीमेल। तो ये जो है ना इसमें एक बात है जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनमें वो कहते हैं कि 80% जो है ना वो कन्वर्जन एफोनिया में। तो एफोनिया एब्सेंस ऑफ साउंड, एब्सेंस ऑफ वॉइस, तो इनवॉलंटरी विस्परिंग डिस्पाइट अ नॉर्मल, कि लैरिंग्स ठीक है जो है ना वो, और ये किसी भी वक्त अचानक या तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा ग्रेजुअल, या सडन जो है ना वो ये स्टार्ट हो सकता है। एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाई एन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, यानी ऑर्गेनिक किसी नेचुरल जो है ना वो डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है, और आमतौर पर इस पर इसके लिए जो है ना वो साइकोथेरापी जो है ना वो रिकमेंड की जाती है। और अदादोशुमार के हवाले से हम पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 80% जो है ना वो पेशेंट इसमें आमतौर पर फीमेल्स होती हैं। कन्वर्जन म्यूटिज्म और म्यूटनेस भी इसको कहते हैं, तो ये बहुत सीवियर जो है ना वो मोस्ट सीवियर ऑफ कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स, पेशेंट मेक्स नो अटेम्प्ट टू फोनेट और आर्टिकुलेट और मे आर्टिकुलेट विदाउट एक्जिलेशन। तो देखे ना कि म्यूटनेस होगी, म्यूटनेस का मतलब है बिल्कुल खामोशी, जैसे हम टीवी की आवाज़ बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो या तो वो कोशिश ही नहीं करता आवाज़ निकालने की, स्पीच प्रोड्यूस करने की, या फिर जो है ना वो आर्टिकुलेट भी करता है तो विदाउट एक्जिलेशन। तो हमने देखा था कि एक्जिलेशन जब तक नहीं होगी वॉइस प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो जब तक वो एक्जेल नहीं करेगा, क्योंकि जब हम जो है ना पहले बात करने से पहले हम आमतौर पर सांस लेते हैं, वो हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम आवाज़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकें। जब एक्जेल होगा तो उसके साथ जो है ना वो फिर हमारी वोकल फोल्ड्स जो हैं या वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगी और इस तरह आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इसकी कुछ जो है ना वो कॉजेज़ हैं इसमें, वांटिंग का मतलब वो चाह तो रहा है बट नॉट अलोइंग वन सेल्फ टू एक्सप्रेस एन इमोशन वर्बली, सच एज फियर एंगर और रिमोर्स।
या जो है ना वो कोई जो है ना वो डर, कोई गम, कोई जो है ना वो खौफ, उसको जो गुस्सा, इसको जो है ना वो रिमोर्स मतलब सॉरो गम, तो वो जो है ना फियर, खौफ, एंगर, गुस्सा और रिमोर्स जो है ना वो गम, तो वो जो है ना उसको चाह ही नहीं रहा, मतलब वो चाहता है लेकिन अलाउ नहीं कर रहा अपने आप को कि वो इसको एक्सप्रेस करे। तो ये एक तो एक ये वजह हो सकती है। सेकंड, अ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन विद समवन ऑफ इम्पोर्टेंस टू द पेशेंट, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन विद समवन ऑफ इम्पोर्टेंस, कि जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी उसके साथ उसका ब्रेक डाउन हो जाए, उससे बातचीत ना हो तो वो बोलना ही छोड़ दे, तो ये जो है ना वो कन्वर्जन म्यूटिज्म या म्यूटनेस में आ जाता है, इसकी कॉज है। शेम और फियर गेटिंग इन द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स थ्रू नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज, तो ये भी जो है ना पब्लिक स्पीकिंग में ये एक बहुत बड़ा इशू जो है ना लोगों को आता है, कि जो है ना वो शर्मसार होना, शेम और फियर, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो है ना वो इसकी कॉजेज हो सकती हैं कन्वर्जन म्यूटिज्म की, म्यूटनेस की। इसमें म्यूटेशनल फैल सेटो या प्यूबर जो है ना वो फोनिया, दिस इज एन अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन वॉइस डिसऑर्डर्स, तो म्यूटेशनल फैल सेटो प्यूबर फोनिया, तो प्यूबर्टी के दौरान जो है ना खसूसी तौर पर जो है ना प्यूबर फोनिया, एडोलसेंस के दौरान जो है ना इसके इस पर वो बात कर रहे हैं। तो इसके जो है ना एक टेक्निकल नाम है जो कि आपको याद रखना है। तो कहता है फेलियर टू चेंज फॉर्मर फ्रॉम हायर पिच्ड वॉइस ऑफ प्री एडोलसेंस, जब प्री एडोलसेंस का जो है ना जब बच्चा होता है तकरीबन उसकी आवाज़ जो है ना थोड़ी भारी ही होती है, टू लोअर पिच्ड वॉइस ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, तो प्री एडोलसेंस 10-11 साल के बच्चे की आवाज़ जो है ना वो थोड़ी भारी होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है वो, तो उसके बाद जब हम एडोलसेंस और एडल्टहुड में आते हैं तो हमारी आवाज़ जो है ना लोअर पिच होती है। तो मेल चाइल्ड और एडोलसेंट्स एग्जिबिट्स इन अप्रोप्रिएटली हाई वॉइस, तो जो मेल चाइल्ड हैं या एडोलसेंट्स हैं वो नामाकूल अंदाज में उनकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस डिसऑर्डर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज सम साइकोलॉजिकल रीजन फॉर एन इंडिविजुअल टू रिजिस्ट द मैच्योरिंग एंड लोअरिंग पिच ऑफ द एडल्ट वॉइस एंड मेंटेन्स द हायर पिच ऑफ आवर प्री एडोलसेंट। दिस डिसऑर्डर इज मच मोर कॉमन इन एडोलसेंट मेल्स बट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन फीमेल्स, तो आमतौर पर ये जो आवाज़ है, आवाज़ का भारीपन है, आवाज़ की पिच ज़्यादा होना, आवाज़ ज़्यादा होना, ये जो ना आमतौर पर जो है ना वो बॉयज़ में, मेल एडोलसेंट्स में जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, जो सने बलौगत से लेकर जो है ना वो बालिग होने तक, तो ये जो है ना उसमें ज़्यादा होती है म्यूटेशनल फेलसेटो या प्यूबर फोनिया, कि वो जो है अपनी आवाज़ को हायर पिच पे ही रहने देते हैं, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, उसकी लो पिच नहीं हो पाती। जुवेनाइल वॉइस एंड स्पैस्मोडिक डिसफोनिया, तो जो जुवेनाइल वॉइस पे हम बात कर रहे थे, तो ये जो है ना बिल्कुल म्यूटेशनल फॉल्सेटो या प्यूबर फोनिया जो कि हमने देखा कि मेल्स में ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि फीमेल कंपेनियन टू म्यूटेशनल फेलसेटो, वीमेन मेंटेन्स अ चाइल्ड लाइक वॉइस इन टू एडल्टहुड, तो जो है वो ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसी जो है ना वो आवाज़ एडल्टहुड में जब वो पूरी तरह से जवान हो जाती हैं तो तब एक मतलब आवाज़ में चेंज आ चुका होता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो बच्चों जैसी ही आवाज़ उनकी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जुवेनाइल वॉइस है। हमने पीछे जो है ना वो म्यूटेशनल फॉल्सेटो या प्यूबर फोनिया जो है ना वो मेल्स के हवाले से देखा था कि उनकी पहले जो है ना टोन ज़्यादा होती है, आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है, तो वो बाद में भी जो है ना वही मेंटेन रखते हैं, तो मेल्स में जो है ना वो म्यूटेशनल फॉल्सेटो ज़्यादा होता है, और इसमें जो है ना वो जुवेनाइल वॉइस में फीमेल्स में जो है वो चाइल्ड लाइक वॉइस जो है ना वो रखती हैं। एंड स्पैस्मोडिक डिसफोनिया, तो स्पैस्मोडिक डिसफोनिया को हम जो है ना वो एब्रीविएट करते हैं एसडी से, और अ फोकल फॉर्म ऑफ डिस्टोनिया है ये, यानी कि टोन का ज़्यादातर इसमें इशू होता है। इज़ अ न्यूरोलॉजिकल वॉइस डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स इन वॉलंटरी स्पैज्म, तो ये जो स्पैज्म होते हैं जो उर्दू में हम कहते हैं ना जी जो है ना पट्ठा पट्ठे में खिंचाव आ गया है या जो है ना वो पट्ठा चढ़ गया है, तो ये वही इनवॉलंटरी मूवमेंट्स यानी कि अ सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और कन्वल्सिव मूवमेंट,
उसको हम कहते हैं स्पैज्म ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो है ना, वो वोकल कॉर्ड्स की या तो वो कन्वल्स हो जाएंगी, यानी कि वो जो है ना, या तो उनमें खिंचाव आ जाएगा, वो जो है ना अपनी ओरिजिन की तरफ जो है ना वो चली जाएंगी, या फिर जो है ना वो ढीली हो जाएंगी। तो ये दोनों तरह से जो है ना इनवॉलंटरी स्पैज्म होती हैं वोकल कॉर्ड्स की, कॉजिंग इंटरप्शन ऑफ स्पीच एंड अफेक्टिंग द वॉइस क्वालिटी, और अल्टीमेटली जो है ना ये फिर स्पीच प्रोडक्शन और वॉइस क्वालिटी को जो है ना वो स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया अफेक्ट करता है। इसमें जो है ना वो तीन तरह से आवाज़ें हैं, जो ना मसाइल हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें यानी कि स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया में सबसे पहले अडक्टर स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया। तो अडक्टर जो होते हैं ना, अडक्ट्स वो होती हैं जिनसे, जैसे हमारी ज़ुबान है, तो ये पीछे कुछ कुछ मसल्स से जो है ना वो हमारे जो है ना मुँह में अटैच्ड है, तो उनको हम अडक्ट्स कहते हैं। तो अडक्टर स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड दिस अफेक्ट्स द मसल दैट लाइज विद इन द वोकल फोल्ड्स। तो ये उन जो है ना वो मसल्स को जो कि वोकल फोल्ड्स के अंदर होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। द थायरोटिनाइड मसल उनको हम कहते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रांगली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये जो है ना वो, बट देन स्पैज़म्स। और पहले जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत शिद्दत से, और फिर जो है ना ये इनमें, लेकिन इसमें स्पैज़म होती हैं कि इनमें खिंचाव आ जाता है। द वोकल फोल्ड स्क्वीज टूगेदर वेरी टाइटली कॉजिंग अ स्ट्रेन्ड स्ट्रेंगल्ड एंड हार्श वॉइस विद वॉइस अरेस्ट, यानी स्टॉपिंग ऑफ द वॉइस। तो इसमें जो है ना ये स्क्वीज हो जाते हैं टूगेदर वेरी टाइटली, तो इसका नुकसान ये होता है कि ये जो है ना टूगेदर वेरी टाइटली के बड़ी सख्ती से ये जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि स्ट्रेन स्ट्रेंगल एंड हार्श वॉइस जो है ना वो मतलब बड़ी दबाव वाली और बड़ी जो है ना वो आप कहने के खिंची हुई आवाज़ जो है ना वो पैदा होती है, यानी स्टॉपिंग ऑफ द वॉइस। हमने देखा था कि जब इनके दरमियान जो है वो वोकल फोल्ड्स के दरमियान अगर जो है ना वो स्पेस कम होगी, वहाँ से आवाज़ नहीं गुजर पाएगी, तो फिर जो है ना वो क्या होता है कि वॉइस जो है ना रुक जाती है, कम पैदा होती है। तो स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया कॉजेज एन इंटरमिटेंट एक्सेसिव क्लोजिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स ड्यूरिंग वॉवल साउंड्स इन स्पीच। तो जो वॉवल साउंड्स के वक्त जो है ना ये ज़्यादा मसाइल पैदा करता है, इंटरमिटेंट कभी कभार, मतलब मुसलसल जो है ना ये चलता रहता है। नेक्स्ट है एबडक्टर स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया। तो एबडक्टर में अब ये होता है कि दिस कॉजेज द मसल दैट ब्रिंग्स द वोकल फोल्ड्स टूगेदर, और द इसको जो है ना कैरी को आर्टिनॉइड मसल जो है ना कहते हैं, टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये उनको जो है ना दूर ज़्यादा ले जाता है, दोनों को मिलने नहीं देता। दिस प्रोड्यूसेज अ ब्रीदी वॉइस एंड अ लॉट ऑफ एक्सेसिव एयर कमिंग आउट ऑफ द वोकल फोल्ड्स। तो इसका नुकसान ये होता है कि वो जो है वोकल फॉल्ड्स जो है एक्सेसिव जो है ना वो हवा बाहर एक्सहेल होती है। दिस इज़ द लेस कॉमन फॉर्म ऑफ स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया। वाइल इन एबडक्टर स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड वोकल फॉल्ड्स ओपनिंग ड्यूरिंग वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉइसलेस, उनमें ज़्यादातर जो है ना इसमें वोकल फॉल्ड्स जो ना ओपनिंग ज़्यादा देर के लिए होती है। तो एडक्टर में जो है ना वो हमने देखा कि जो है ना वो मसल्स को वो करीब ज़्यादा ले जाती हैं और उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, स्पैज़म है ना बेसिकली। और एबडक्टर में जो है ना ये जो है ना इनके दरमियान वोकल फोल्ड्स के दरमियान वक्फा ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड स्पैज़मोडिक डिस्फोनिया। तो मिक्स्ड में इन दोनों कंडीशंस का जो है ना मौजूद होना लाजिम हो जाता है। दिस इज़ व्हेन बोथ टाइप्स ऑफ स्पैज़म appear during speech, adductor and abductor, in which an individual may demonstrate both types of spasm as he or she speaks. So this is the rarest form of these three types. तो इन तीनों में से ये जो है एक rarest type है कि जो है ना वो कभी एक बार जो है ऐसा मामला पेश आता है कि दोनों हों। आमतौर पर जो है ना वो फर्स्ट वन जो है वो जो adductor spasmodic dysphonia है कि जिसमें जो है ना वो muscles के दरमियान जगह, जो वोकल फोल्ड्स हैं उनके दरमियान जगह कम बचती है और उन वहाँ से हवा का एक्सहेल होना जो है ना वो पॉसिबल कम होता है, तो वो ज़्यादातर आमतौर पर वो होता है। तो इस तरह हमने जो है ना वॉइस डिसऑर्डर्स जो है ना वो आज कंप्लीट कर लिए हैं हमारे इस 13th लेक्चर में। वॉइस डिसऑर्डर्स जो कि हम पढ़ रहे हैं
यूनिट टू में 2.1 जो है ना वो 1, तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 2.2 शुरू करेंगे, वो हमारे लिए न्यूरोजेनिक ओरिजिन से जो है ना उसका ताल्लुक है। अभी तक हमने जो है ना सिंपल जो है ना ये लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स पे बात की है, जिसमें आखिरी वॉइस डिसऑर्डर था, और जो है ना इस लेक्चर के शुरू में मैंने इन डिटेल वो आपको बताए हैं। इन द लास्ट स्लाइड वी हैव कोट बाय विंस लोम्बार्डी, तो परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। ठीक है, तो कामलियत मुकम्मल होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि हम अगर इसको करें तो एक्सीलेंस के शानदार जो है ना लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे के हमें जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम लेवल जो है पोटेंशियल जो है उसको पहचानें और उसको बाहर निकाल के लाएं। तो कम से कम परफेक्शन तो नहीं हम, लेकिन ये है कि हम जो है ना वो एक्सीलेंस तक जो है ना वो हम पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। विद दिस कोट आई थैंक यू, गुड लक एंड थैंक यू।